नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, ये मौसम चुभती और जलती गर्मी यानी कि समर का है और ऐसे में हम सब इस गर्मी को दूर करने के लिए ज्यादातर किसी न किसी तरह के ठंडे कूल ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड कूल ड्रिंक्स या चिल्ड बियर को ही अपनाते हैं। लेकिन क्या ये हेल्दी है? ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉटल में मिलने वाले कूल ड्रिंक्स हमारी सेहत के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं। दोस्तों, गर्मियों में हमें अपने खान पान पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि ज्यादा हीट के कारण हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे कि हमारी बॉडी से इम्पोर्टेंट मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से बचे रहने के लिए डॉक्टर भी हमें ज्यादा पानी और फ्लूइड्स लेने की सलाह देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन टॉप 9 आयुर्वेदिक कूल ड्रिंक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनका सेवन गर्मी में करने से मन को तृप्ति तो मिलती ही है और जो गर्मी की हीट को कम करने के साथ साथ और भी कई तरह की बीमारियों से भी हमें बचाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नींबू पानी या शिकंजी, जिसे इंग्लिश में लेमोनेड भी कहते हैं। दोस्तों, नींबू पानी या शिकंजी भारत का एक ट्रेडिशनल कूल ड्रिंक है। ये बनाने में भी बेहद आसान है। बनाने की विधि, आप एक ग्लास नॉर्मल पानी ले, ठंडा पानी अवॉइड करें, अगर ले भी तो मटके का पानी ले, फ्रिज का नहीं। फिर इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लें और स्वाद अनुसार चीनी और काला नमक मिला लें। इच्छा हो तो आप इसमें कुछ पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। फायदे, ये हमें लू लगने से बचाता है। ये जी मचलना और अजीर्ण या अपच के लिए रामबाण औषधि है। ये वेट लॉस में भी मदद करता है। ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी बनाए रखता है। ये सस्ता है और झटपट बन भी जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर है इंडिया की वर्ल्ड फेमस लस्सी। दोस्तों, ये ड्रिंक भारत के राज्य पंजाब की देन है। बनाने की विधि, आप एक कटोरी ताजी ठंडी दही ले और फिर इसे अच्छी तरह से ब्लेंडर की मदद से मिला ले। फिर आधा कटोरी पानी ले और इसमें स्वादानुसार चीनी मिला ले। अब इस चीनी वाले पानी को दही में मिला ले। आप चाहे तो इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें गुलाब जल, थोड़ा केसर और एक चुटकी इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इसी ड्रिंक से मिलती जुलती स्वीट डिश महाराष्ट्र और गुजरात में भी बनाई जाती है, जिसे श्रीखंड कहते हैं, जो कि थोड़ी ज्यादा थिक और मीठी होती है। फायदे, इसमें दही होने के कारण हेल्दी बैक्टीरिया की वजह से हमारा डाइजेशन सही से होता है और ये हानिकारक वायरसेस को भी मारता है। इसमें प्रोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, फोलिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और राइबोफ्लाविन भी होते हैं। लस्सी दूध के मुकाबले पचाने में भी बेहद आसान होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। इसमें लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। ये एसिडिटी को भी दूर करता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर है सत्तू का शरबत। दोस्तों, सत्तू हमारे पूर्वी राज्यों जैसे कि बिहार, यूपी और बंगाल की देन है। सत्तू भुने हुए जौ, चने और गेहूं से मिलकर बनता है। बनाने की विधि, आप एक ग्लास पानी में 5 से 6 चम्मच सत्तू पाउडर को अच्छी तरह से मिला लें। फिर इसमें 3 से 4 चम्मच नींबू का रस और स्वादानुसार नमक भी मिला लें। इच्छा हो तो स्वादानुसार भुने हुए जीरे का पाउडर भी मिला सकते हैं। ये भी नींबू पानी की तरह एक झटपट बनने वाला या इंस्टेंट समर ड्रिंक है। ऑप्शनल, आप नमक की जगह चीनी भी मिला सकते हैं। फायदे, सत्तू पेट की गर्मी को शांत करता है, इसीलिए इसे स्टमक कूलेंट भी कहते हैं। सत्तू में फाइबर्स होने के कारण ये अपच या इनडाइजेशन को ठीक करता है। सत्तू पीने या खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ रहता है और भूख भी कम लगती है, इसीलिए ये मोटापे में भी अत्यंत लाभकारी होता है। इसमें मौजूद आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सत्तू की तासीर ठंडी होती है और इसीलिए ये गर्मियों में हमारे पेट को ठंडा रखता है। सत्तू में प्रोटीन होता है, जो लिवर को भी हेल्दी रखता है। सत्तू में बीटा ग्लूकान होता है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट्स की बॉडी में बढ़ते ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। चेतावनी, डायबिटिक पेशेंट्स को चीनी वाले सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर है खस का शरबत। दोस्तों, खस में आयरन, मैंगनीज और B6 विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। बनाने की विधि, आप इच्छा अनुसार खस ले और उसे धोकर पानी में उबाल ले। फिर इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह से उबाले और छान कर ठंडा कर ले। इस जूस को ठंडा होने के बाद एक ग्लास बॉटल में भर कर रख ले। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हरा फूड कलर भी मिला सकते हैं। फायदे, खस का शरबत हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। खस ठंडा होता है और इसीलिए इसे पीने से हमारा शरीर हमेशा ठंडा और हाइड्रेटेड रहता है। तपती गर्मी के कारण लगने वाले लू से भी ये हमें बचाता है। ये ब्लड को साफ करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी सही रखता है। खून साफ होने से चेहरे पर कील मुहासे भी नहीं होते हैं। ये आयरन की कमी को भी दूर करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे कि हम बार बार बीमार नहीं पड़ते।
पड़ते हैं। गर्मी में पसीने, धूल और धुएं के कारण जो आंख में जलन होती है वो भी खस का शरबत पीने से ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर है छाछ। दोस्तों, गर्मियों में छाछ अमृत के समान होता है। आयुर्वेद में भोजन के बाद छाछ पीना अच्छा माना जाता है क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये भी बस कुछ ही मिनटों में बन जाता है। बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आप 1 कप दही में थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, कुछ पुदीने के पत्ते, 1 चुटकी हींग, स्वादानुसार काला नमक और पानी डालें और अच्छी तरह से मिला लें। फायदे। ये पाचन को ठीक करके कब्ज को दूर करता है। छाछ में विटामिन सी, ए, ई, के और बी पाए जाते हैं जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है जिसके कारण ये हमें लू लगने से बचाता है। इसमें कैल्शियम भी काफी होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। रोज 1 ग्लास छाछ पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है और हार्ट अटैक होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये एसिडिटी को भी जड़ से ठीक कर देता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर है तरबूज का जूस। दोस्तों, तरबूज का फल और जूस दोनों ही गर्मियों में प्यास बुझाने के साथ साथ हमें ताजगी से भर कर एनर्जी भी देते हैं। इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है और इसीलिए इसे खाने या पीने से सूखा गला तृप्त और शरीर एनर्जी से भर जाता है। बनाने की विधि। इसके जूस को बनाने के लिए आप तरबूज को मिक्सर में पीस कर छान ले और फिर इसमें स्वाद अनुसार चीनी, काला नमक और चाट मसाला मिलाकर सर्व करें। दोस्तों, कहीं कहीं तरबूज और अनानास के जूस को मिलाकर सर्व किया जाता है, लेकिन ये दोनों आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार माने जाते हैं, इसीलिए आप इन्हें साथ में कभी ना ले या हो सके तो दोनों ड्रिंक्स के बीच में कम से कम 1 घंटे का अंतर रखें। फायदे। ये फैट को कम करके वेट लॉस में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसके पीने से हीट स्ट्रोक नहीं होता है। तरबूज में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कैंसर सेल्स को नष्ट करता है। इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता है। तरबूज में बहुत ज्यादा फोलेट होता है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ऑप्टिमम लेवल पे बनाए रखता है, जिसकी वजह से अटैक होने का खतरा भी कम हो जाता है। ये चेहरे के ग्लो को भी बढ़ाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर है खट्टा मीठा आम पन्ना। दोस्तों, आम का पन्ना कच्चे आम को पीस कर बनाया जाता है। बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए कच्चे आम को मैश करके पानी में मिला ले। जिन्हें कच्चे आम ज्यादा खट्टे लगते हों वो उन्हें उबाल के उसका छिलका निकाल के वो जूस यूज कर सकते हैं। फिर इसमें स्वाद अनुसार भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और चीनी मिलाकर सर्व करें। फायदे। इसे पीने से लू नहीं लगती है। आम पन्ना फाइबर से भरपूर होता है और इसी वजह से ये पाचन में मदद करके हमारे पेट को गर्मियों में साफ रखता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। फलों के राजा आम में विटामिन सी होता है जो कि ब्लड वेसल की चौड़ाई को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव और नए सेल्स को बनाने में भी मदद करता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फेफड़े और पेट के कैंसर से भी बचाते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी जैसे गंभीर रोग से भी ये हमें बचाता है। इससे रिंकल्स नहीं होते और त्वचा खूबसूरत और बेदाग बनती है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर है ठंडाई। दोस्तों, ठंडाई भारत में होली के रंगीन त्योहार में पिया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर भारतीय ड्रिंक है। ठंडाई का अर्थ होता है ठंडा करने वाला ड्रिंक। बाजार में ये ठंडाई कई फ्लेवर्स में मिलती है। बनाने की विधि। इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले आधा टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून पिस्ता, 1 टेबल स्पून खसखस, 3 टेबल स्पून बादाम, 10 ग्राम खरबूजे के बीजों, आधा टेबल स्पून काली मिर्च और 2 टेबल स्पून गुलाब की पंखुड़ियों को रात भर के लिए 1 कप पानी में भिगोकर रख दें। फिर सुबह इसे थोड़ा चीनी और इलायची मिलाकर मिक्सर में पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा केसर मिलाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। फिर जब भी आपका मन करे 1 ग्लास ठंडा दूध लें और इस मिक्सचर को उसमें अच्छी तरह से मिला लें। आपकी इंस्टेंट ठंडाई तैयार रहेगी। फायदे। ये पेट और शरीर में होने वाली गर्मी को कम करके हमें शीतलता प्रदान करता है। ये मुंह के छाले और पेट के अल्सर में भी आराम देता है। ये तनाव और चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है। ये पेशाब में जलन, दस्त और जी मचलने में भी बहुत उपयोगी है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है बेल का शरबत। दोस्तों, ये नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। ये बेल के फल, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहते हैं, से बनाया जाता है। इस पेड़ के हर पार्ट का आयुर्वेद में औषधि के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन बेल का शरबत सबसे कॉमन तरीका है जिससे कि हम हेल्दी और फिट रह सकते हैं। बनाने की विधि। बेल का शरबत बनाने के लिए इसके फल का गूदा निकाल लें, फिर इस गूदे में दुगुना पानी मिलाकर अच्छी तरह से मसल कर छान लें। अब इसमें स्वाद अनुसार चीनी मिलाएं। फायदे। ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ये दस्त में भी बेहद फायदेमंद होता है। ये गैस और
कब्ज की समस्या में भी राहत पहुंचाता है। ये शरीर को अंदर से ठंडा रखता है, ये खून को साफ करता है और कैंसर से भी हमें बचाता है। इसमें प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, विटामिन, थायमिन, राइबोफ्लाविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये अल्सर और मोटापे से ग्रसित लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि केवल फल ही आपको ठंडा रख सकते हैं, तो कुछ मसाले भी बहुत पीछे नहीं हैं जो समान रूप से आपको ठंडा रखते हैं। पहला, पुदीने का जूस। गर्मी में पुदीना बहुत फायदेमंद होता है। इसमें पेपरमिंट होता है जो कि लू, बुखार, जलन, उल्टी और गैस की समस्याओं में काफी लाभ पहुंचाता है। इसको बनाने के लिए आप साफ पुदीने के पत्तों को पानी में मिलाकर पीस लें और उसमें स्वादानुसार काला नमक, चीनी और भुना हुआ जीरा मिलाएं। दूसरा, तुलसी और सौंफ का जूस। तुलसी के पत्तों या बीजों को थोड़े से गुलाब जल में मिलाकर पीने से आपके शरीर को तुरंत ठंडक मिलती है। सौंफ अपनी शीतलता के लिए बहुत फेमस है। इस शरबत को बनाने के लिए एक मुट्ठी तुलसी के पत्तों और एक चम्मच सौंफ के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह ये पानी पिए। ये आपके शरीर को गर्मी से बचाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए 11 ठंडे ड्रिंक्स के अलावा कुछ अन्य गर्मी से राहत देने वाले ड्रिंक्स हैं नारियल पानी और एलोवेरा का जूस। दोस्तों, तो इस गर्मी के मौसम में जरूर ट्राई करें इन हेल्दी सुपर कूल ड्रिंक्स को, जो कि ताज़ा होने के साथ साथ बोतल बंद जूस के मुकाबले कई गुना फायदेमंद होते हैं। आप इन शरबतों को बनाकर बोतल में भरकर अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको आर्टिफिशियल जूस ना खरीदना पड़े। इन शरबतों से आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी, फ्रेश और हैप्पी रहेंगे। दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन रेसिपीज में से कौन सी सबसे अच्छी और टेस्टी लगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।